कस्तूरबा अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास की साइंस के साथ हम लोग ने पहला चैप्टर शुरू किया हुआ था जो कि सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है, जो कि पौधों और जानवरों की खुलियाती तंजीम के हवाले से। उसके हवाले से हमने प्रीवियसली जो पढ़ा था वो यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के हवाले से हमने पढ़ा था। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के हवाले से आप लोगों को याद होगा और आप लोग ने इसको लिखा भी होगा, यूनिसेलर मल्टीसेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो के सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल सेल पर मुश्तमिल जो जानदार होते हैं, जिस तरह फर्ज के बैक्टीरिया है और क्लेमिडोमोनास है, क्लेमिडोमोनास बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूनिसेलर यूनि में सिंगल, सिंगल सेल पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जैसे आप लोग आसपास देखते होंगे बटरफ्लाई है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह, फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे मल्टीसेलर, मतलब जो कि मोर देन वन सेल पर मुश्तमिल जो जानदार हों वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब जानदार। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा फटा टिश्यू के हवाले से। टिश्यू ये सेल्स जो है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, एक जैसा काम करते हैं। सेल्स का ग्रुप, सेल्स का ऐसा गिरोह जो कि एक जैसा काम करे, सेम फंक्शन, एक जैसा काम, एक जैसे अफ़ाल सर अंजाम दे, वो कहलाता है टिश्यू। मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज हैं वो मिलकर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में और जानदारों में, जानवरों में। इसमें अब हम सबसे पहले प्लांट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, प्लांट टिश्यूज, उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है बेटा एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल, जैसा कि नाम से जाहिर है एपिडर्मस से है। इसका काम क्या होता है कि कवर करना होता है, ढांपना होता है, जैसे मिसाल के तौर पर रूट्स हो गई, जैसे स्टेम हो गया, जैसे लीव्स हो गया, इनको क्या करना होता है, इनको कवर करता है, इनको ढांपता है। और ये मिलकर बने होते हैं किससे, ये मिलकर बने होते हैं सेल से, मिलकर बने होते हैं टिश्यूज जो है ना वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये एपिडर्मल टिश्यू का काम है। इसका काम क्या होता है, कवर करना रूट्स को, स्टेम्स को, और इसके अलावा लीव्स को कवर करना होता है एपिडर्मल टिश्यूज का। उसके बाद आगे जो हमारे पास टिश्यू है वो है बेटा जाइलम टिश्यू। टिश्यूज जैसा कि नाम से जाहिर है ये मिलकर बने होते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, एक जैसा काम जो होता है उसको सर अंजाम देते हैं। अब जाइलम जो टिश्यूज हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कंडक्ट करते हैं वाटर को, और इसके अलावा जो डिजॉल्व साल्ट होते हैं, डिजॉल्व साल्ट्स, इसको क्या करते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, मतलब जड़ों से पत्तों की तरफ पानी और दूसरे डिजॉल्व साल्ट को लेके जाते हैं। जाइलम टिश्यू का काम होता है क्या करते हैं, कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट्स जो कि हर शुदा रंग की आदत होती है उसको लेकर जाते हैं रूट से लीव्स की तरफ लेकर जाते हैं, ये इनका काम होता है। आगे बेटा ये हो गया जाइलम टिश्यू। अब आए आगे फ्लोएम टिश्यू का काम बेटा।
फ्लोएम टिश्यूज, ये भी हुई एज इट इज, ये भी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, टिश्यूज ही होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये जो प्रिपेयर्ड फूड होती है, प्रिपेयर्ड फूड जो होती है उसको क्या करते हैं, उसको कैरी करते हैं, कहां से, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जहां पे जरूरत होती है उस जगह पे ये जो खुराक होती है, तैयार शुदा खुराक प्रिपेयर्ड फूड होती है, उसको कैरी करके लेके जाते हैं जहां पे जरूरत होती है, वहां पे बेटा उस खुराक को पहुंचाते हैं। फ्लोएम का काम जो है ना, क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड फूड जो होती है, क्योंकि लीव्स भी तैयार हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस जो तैयार हो रही होती है, उसको लेकर जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों की तरफ जहां जरूरत होती है, पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेकर जाते हैं, ये है फ्लोएम का काम। उसके बाद हमने आगे पढ़ना है मेसोफिल टिश्यूज के हवाले से बेटा। मेसोफिल टिश्यूज, मेसोफिल टिश्यूज बेटा, मेसोफिल टिश्यूज कहां पे मौजूद हैं, दीज आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन लीव्स, क्या करते हैं, दैट मेक फूड, दैट मेक मेक फूड फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं। ये बेटा कुछ टिश्यूज थे जो के पौधों के हवाले से हमने डिस्कस किए थे, जिसमें जो पहले पहले टिश्यू था वो था हमारे पास इसका मेसोफिल टिश्यू, और उसके बाद फिर हमने ज़ाइलम टिश्यूज, और उसके बाद फ्लोएम टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, और सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, इसके हवाले से हमने डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे जानवरों के जो टिश्यूज हैं उनके हवाले से पढ़ेंगे, और वो क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं, उनके फंक्शन क्या है, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जानवरों में जो सबसे पहला टिश्यू है वो है मसल टिश्यू बेटा, कौन सा बेटा, मसल टिश्यू, मसल टिश्यूज फॉर्म होते हैं फ्रॉम मसल सेल, मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये हेल्प करते हैं बेटा मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट, मतलब जो हरकत होती है उसमें ये मदद करते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। मसल टिश्यूज बेटा किससे मिलकर बने होते हैं, मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, फॉर्म फ्रॉम मसल सेल्स एंड दैट हेल्प इन मूवमेंट, जो के हरकत में मदद देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा, दूसरे नंबर पे है बेटा बोन टिश्यूज, जैसा कि नाम से जाहिर है बोन सेल से फॉर्म मतलब बनना, फॉर्म फ्रॉम बोन सेल्स, किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, बोन सेल से मिलकर बनते हैं, और इनका ये बहुत स्ट्रांग होते हैं बेटा, स्ट्रांग और सॉलिड होते हैं, सॉलिड एंड स्ट्रांग, स्ट्रांग टिश्यूज होते हैं जो के क्या करते हैं, जो के शेप देते हैं, शेप एंड सपोर्ट, सपोर्ट द बॉडी, जिस्म को सहारा भी देते हैं और जिस्म को क्या करते हैं उसको शक्ल भी देते हैं, और ये मजबूत और ठोस किस्म के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं बोन टिश्यूज। पहले हमने पढ़ा मसल टिश्यू के हवाले से, उसके बाद बोन टिश्यूज के हवाले से, मसल टिश्यू जो है ना वो मूवमेंट में मदद देते हैं, और जो बोन टिश्यूज होते हैं ये शेप भी करते हैं और साथ में सपोर्ट भी करते हैं, उसके बाद बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी को शेप भी देते हैं। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे बोन टिश्यू के, उसके बाद फिर आप आगे जो है इसका पढ़ेंगे ब्लड, ब्लड टिश्यूज है बेटा, ब्लड टिश्यूज का काम क्या है कि जो मटीरियल है जिसमें अब फूड हो गई, और जिसमें मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन इसको मिसाल के तौर पर इसको क्या करते हैं, इस मटेरियल को
कैरी करते हैं, कैरी टू आल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये भी वही करते हैं कि फॉर फ्रॉम जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स से मिलकर बनते हैं, फॉर्म फ्रॉम ब्लड सेल्स। और ये क्या बनाते हैं आप लोगों को याद होगा शुरू शुरू के टॉपिक में, जिसमें हमने राइट व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, और ये हुई उसी के इनमें शामिल हुई चीजें, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी शामिल है, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी शामिल है। ब्लड टिश्यूज जो होते हैं ये क्या करते हैं, मटीरियल को लेकर जाते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, या इसको कैरी करते हैं ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें फूड शामिल होती है और इसमें बेटा ऑक्सीजन शामिल होती है, ये मटेरियल जो होता है इसको कैरी करते हैं और इसको जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ये हमारे जो एनिमल टिश्यूज थे उनके हवाले से हमने डिस्कस किया था, जिसमें मसल टिश्यू था, जिसमें बोन टिश्यू था और जिसमें ब्लड टिश्यू था। मसल टिश्यू के हवाले से ये दैट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट और इश्योर करते हैं मूवमेंट को लेकर आते हैं जिसम के अंदर मुख्तलिफ किस्म जो मूवमेंट होती है, जैसे मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और मूव कर रहा हूँ, ऐसे ही ये जो मसल टिश्यूज होते हैं ये इंसान को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, उसमें मदद करते हैं। उसके बाद बोन टिश्यूज हैं, स्ट्रांग एंड सॉलिड टिश्यूज होते हैं और ये शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं पूरे पूरे जिस्म को। उसके बाद ब्लड टिश्यूज हैं दैट कैरी मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और मटेरियल में शामिल हुई फूड होती है, ऑक्सीजन होती है, जो कि जिस्म के एक एक सेल तक पहुंचाते हैं। आप लोगों का ये टॉपिक था आज जो कि मुश्तमिल था किस पर, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज पर। प्लांट टिश्यूज में आप लोगों ने पढ़ा, उसमें जैलम टिश्यू था, फ्लोएम टिश्यू था, मेसोफिल टिश्यू था और एपिडर्मल टिश्यू था, और एनिमल टिश्यूज में आप लोगों ने पढ़ा उसमें मसल टिश्यू, बोन टिश्यू और ब्लड टिश्यूज था। वे काफी आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे और लिखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। कोशिश करें आप लोग इस बात को श्योर करें कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद करें, जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तब तक आपको इसको अगले टॉपिक तक फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अल्लाह ताला आप लोगों को आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।